हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल बॉय गेमिंग। सो गाइस, आगे वीडियो देखने पर अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस क्या कर रहे हैं, गाइस जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के ऑल पर से लाइक कर लीजिए। नहीं सो यहाँ पर गाइस अभी हम लोग जाने वाले रेड करने गए। जिन लोगों ने पिछली वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी होगी तो मैं बता दूँ, ये वैसे पार्ट फोर है इस सर्वर का। तो जिन लोगों ने वाली वीडियो नहीं होगी देखी पिछली वीडियो, तो उसमें हम बता दें जो दो बंदे थे हमें परेशान करे थे बहुत ज़्यादा, तो उनका बेस आज उड़ाना है एटलीस्ट, क्योंकि हमारे पास लूट काफ़ी कम है। इतना फार्मिंग हो गया है कि हम उनका बेस उड़ा सकते हैं। हमारे पास C4 भी आ चुका है गाइस, C4 का भी रेस में हम लोग निकाल लेंगे। 35 रेड टिकट लगाए गए यहाँ पे C4 बाई करने में, तो क्योंकि उनका बेस अंदर से स्टील भी हो सकता है, क्योंकि बंदे बहुत ज़्यादा एक्टिव है सर्वर में, काफ़ी ज़्यादा खेला उन्होंने, तो उनका बेस कुछ भी करके हमें उड़ाना है। उनके पास से काफ़ी सारा लूट हमें मिल सकता है। कंपोनेंट्स हमें चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास कंपोनेंट्स बहुत ही ज़्यादा कम है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हो गए, मशीन गियर हो गए, आयरन प्लेट हो गए, तो ये सब बहुत ज़्यादा कम है अपने पास। हमें कुछ भी करके रेड करना है, तो हमने करीब 15 या 30 C4 बनाए हैं रेड करने के लिए और हैंडमेड बना लिए हैं 50-40, तो उतने में रेड हो जाएगा। ज़्यादा बेला बेस है नहीं वैसे, वो बंदे जो है वो डुओ खेल रहे हैं, तो अभी चल के उनको रेड करते गए। आप लोग वीडियो जो है पूरा एंड तक ज़रूर वॉच करना। बहुत ही मजा आने वाला है गाइस आपको इस वीडियो में। गाइस सही बताऊं तो रेड करके काफी ज्यादा मजा आया था, आपको भी मजा आएगा देख के गाइस यहाँ पे। तो गाइस जल्दी से चलते हैं हम लोग सीधा रेड करने गाइस यहाँ पे। तो अभी हुआ क्या गाइस, वो बंदे जो यहाँ पे ऑफलाइन है गाइस यहाँ पे, तो अभी हम लोग उनको जल्दी से रेड करके आना है। वो लोग रात में ज़्यादातर ऑफलाइन रहते हैं, तो उनको जल्दी से, अभी वो ऑफलाइन है तो उनको जल्दी से हम चल के सीधा उड़ा देते हैं उनको इस सर्वर से। तो यहाँ पे बॉर्ड देख सकते हो, और यहाँ पे देख सकते हो गाइस आप लोग मैप पे देखो, ये पर्पल ड्रॉप पता नहीं कैसा है, मैं पहली बार देख रहा हूँ पर्पल ड्रॉप। आप लोग देख सकते हो, मुझे पता नहीं है पर्पल ड्रॉप में क्या, मुझे लगता है ज़्यादा ही कुछ अच्छा लूट मिलता होगा पर्पल ड्रॉप पे। तो अब जो भी हो, तो अभी हम लोग जल्दी से चलते हैं रेड करने गाइस यहाँ पे। तो उनका बेस यहीं पे है गाइस, उन्होंने काफ़ी गन्स हमसे लिए हैं गाइस यहाँ पे। उनकी गन्स तो मिली थी, उन्होंने हमसे भी बहुत ज़्यादा गन्स लिए हैं यहाँ पर। कल रात को मैं जब गया था रूम करने, तो उन्होंने मुझे मारा भी था। अच्छा, हमको सिखा दिया है यहाँ पे। तो उनसे AG कार्ड करने गए थे तो उन्होंने मार दिया था गाइस। तो आपको पिछली वीडियो देखी होगी तो पता होगा, मैंने बताया होगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग देख सकते हो बेस पे पहुँच गए गाइस, सेरा उनका बेस सामने की साइड ये है। तो अभी जल्दी से पहुँच के हमें करना है रेड गाइस। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गाइस यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हो बेस ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये बंकर बेस है गाइस। हमारे मतलब आपको मत सिखा, जो कि मुझे भी नहीं पता था रेड करने के बाद चला। तो हम लोग डोर से रेड करेंगे क्योंकि बेस जो है पूरा अंदर ओपन है। तो यहाँ पर 4 हैंडमेड लगा दिए गाइस हम लोग ने, तो अभी जल्दी से रेड करते गाइस यहाँ पे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तो यहाँ पर टूट चुका है साथ में, वो लेडर भी टूट गई जो बेसल रहती है, मतलब बेस पे जो रहती है स्टेयर्स। तो अभी हम लोग देखते हैं गाइस यहाँ पे बेस, देख सकते हो पूरा ओपन है चारों साइड से, डोर भी नहीं लगाया बंदों ने और स्टैकिंग नहीं है इसमें, बस ये मैं बंकर बेस है। क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ये एक बंकर बेस है गाइस यहाँ पे। तो ये देख सकते हो, ये यहाँ पे एक बंकर बेस है गाइस ये पूरा। तो अभी इसको रेड करना है गाइस यहाँ पे कुछ भी करके। तो देख सकते हो हाफ वॉल भी लगाई हुई है, मतलब ये 100% श्योर यहाँ पे बंकर बेस है। सो गाइस यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे गाइस इसके बाद रेड कहाँ से करना है गाइस, क्योंकि बंकर बेस है और रूफ़ भी लगी हुई है अंदर, तो कुछ भी हो सकता है। तो अभी हमें चेक करना है कि रेड कहाँ से करना है। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं TC का लोकेशन, तो देख सकते हो तो ऐसे कुछ आप लोग लगा के कर सकते हो। तो जिधर ज़्यादा पास में लगेगा कैंप फायर, वहीं पर TC होगा। तो हमें सारी साइड से चेक करना है, तो जिस साइड से कैंप फायर ज़्यादा पास में लगा होगा तो वहीं पे होगा TC। तो उस साइड से तो थोड़ा दूर में था, तो यहाँ से देख लेते गाइस, यहाँ से भी थोड़ा दूरी में है। तो अभी करना क्या गाइस, हम लोग चेक कर लिया गाइस सब कुछ, तो अभी हमें एक दो जगह और भी कैंप फायर लगा के हम लोग चेक करेंगे, फिर हम लोग सीधा रेड कर देंगे कहीं से, डोर से ही रेड करेंगे। डोर से इजी पड़ेगा गाइस रेड, क्योंकि बेस तो पूरा ओपन ही लग रहा है। तो अभी हम लोग डोर से रेड करेंगे। तो गाइस हमने सोचा ये वाला डोर यहाँ पे उड़ाते हैं, तो 4 हैंडमेड, अरे 4 C4 लगेंगे यहाँ पे डोर पे। तो 4 C4 जल्दी से यहाँ पे सड़क से लगा देते हैं गाइस हम लोग। 4 C4 यहाँ पे लग चुके हैं, तो यहाँ पर टूट जाएगा। तो गाइस यहाँ पर टूट चुका है, तो अभी हमें अंदर भी ये दोनों डोर भी तोड़ना पड़ेगा 4 C4 लगा के यहाँ पे। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पे पूरा ओपन है। तो अभी हम लोग जल्दी से यहाँ पे भी 4 C4 यहाँ पे लगाते हैं। सो गाइस यहाँ पे हुआ क्या, मैं भी C4 लगा रहा था, डॉली बहन जी भी यहाँ पे C4 लगा रही थी, तो मैंने 3 C4 लगाया, मैंने एक बचा, लेकिन डॉली ने भी 4 C4 लगा दिया। नहीं यहाँ पे टोटल ये डोर तोड़ने के लिए हमारे 7 C4 लग गए गाइस यहाँ पे। तो हमारे साथ दिक्कत हो गई, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि मुझे लगा वो बॉम, मतलब मुझे लगा वो नहीं लगाया, मुझे बॉम्ब लगाना है, और उनको डॉली को लगा कि उसको बॉम्ब लगाना है, तो इसलिए दोनों लोग ने ही बॉम्ब लगा दिया, समझ नहीं आया।
सो यहाँ पर देख सकते हो तो मेरे पास 6 ही C4 यहाँ पे बचे हैं, तो अभी 6 के 6 C4 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो वॉल तोड़ना है हमें। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे लगाता हूँ जल्दी से, गाइस देख सकते हो अंदर ऑटो कैनन भी लगी, आपको लेज़र दिखा होगा अंदर ऑटो कैनन है यहाँ पे। तो अभी 6 C4 यहाँ पे लगाना है, तो जल्दी से अभी लगाते हैं गाइस यहाँ पे C4। तो यहाँ पर भी जल्दी से लगाते हैं C4। तो पहले मैं भी लगा देता हूँ यहाँ पे जल्दी से, पहले डॉली बहनजी लगा रही तो मैं भी लगाता हूँ यहाँ पे पहले। तो यहाँ पर मैं 6 C4 लगाना था, तो अब मैंने यहाँ पे 3 ही C4 लगाया यहाँ पे, और मैं हट गया पीछे उसके बाद। और यहाँ मैं सोचता हूँ अभी 3 C4 और लगाने जाऊँ, तब तक उतने में डॉली बहनजी भी C4 लगा देती हैं और यहाँ मेरा हो जाता है पोपट। तो अब ये लोग जल्दी से आते गए यहाँ पे हैं, बेस से आते हैं जल्दी, थोड़ा टाइम लगेगा स्पॉन होने में। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं गाइस अपना ग्लाइडर यूज़ करके, तो अभी हम लोग जल्दी से चलते हैं अंदर गाइस और लगाते हैं और भी बॉम्ब यहाँ पे। तो ये बेस देख सकते हो तो ज़्यादा इजी नहीं, हम इसको पहले भी रेड कर सकते, लेकिन गाइस हमारे पास C4 नहीं था और हमने C4 जल्दी निकाला गाइस, ऊपर हमारे मिला ही नहीं C4, रूम कर नहीं रहे जा रहे थे तो रूम लूटेड मिला था। तो हमने 35 ट्रेड टिकट का बाई किया यहाँ पे, मैंने नहीं बाई किया, बरन ने बाई किया या शायद डोली ने साथ में जाके बाई किया है। तो हमने 35 C4 का बाई किया गाइस यहाँ पे, और हमारे पास बॉम्ब भी काफ़ी सारे हो गए थे। तो अभी सीधे जल्दी से इनको उड़ाते हैं गाइस यहाँ पे। सो यहाँ पर जल्दी से C4 लगा था, मैं सोच रहा था कि लगाऊं कैसे, तो मैं सोचा पहले बेसल पे लगा दूं, फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे लगा देता हूँ, डोली ने बताया कि इधर लगाओ, तो मैं इधर ही लगा दिया यहाँ पे, जितना भी C4 था यहाँ पे लगा दिया है। अभी थोड़ा 1-2 C4 और भी लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हो मेरे रफीकुल भाई यहाँ रूफ के पीछे ऑफलाइन चले गए, तो रूफ टूटेगा तो वो भाई भी किल हो जाएंगे यहाँ पे। तो अभी 1 C4 और लगाएंगे इस, मेरे हिसाब से टूट जाएगा 1 C4 में, और या फिर एक हैंडमेड लगा देंगे और तब तो पक्का टूट जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर देखते गए, तो यहाँ पर देख सकते हो टूट चुका है, और TC भी आपको दिख गया होगा इस, वो देख सकते हो वो रहा TC। तो TC हम लोग तोड़ देंगे, अंदर कैनन है इस यहाँ पे, और रफीक उल्लू भाई को रिवाइव देते हैं। और यहाँ पे ऑयल बम लगता है भाई, मैं यहाँ पे बच जाता हूँ, नहीं तो मुझे लगा था यहाँ पे मैं भी जाऊँगा, लेकिन रफीक उल्लू भाई यहाँ पे मर जाते हैं। कोई ना, आ जाएंगे बेस पास ही में। तो अभी यहाँ से लूट आप लोग देखो काफ़ी तगड़ा, यहाँ पे TC टूट चुका है गाइस यहाँ पे बम लग के। तो अभी TC लगा लेंगे यहाँ पे, और गाइस लूट आप लोग देखना गाइस यहाँ से क्या तगड़ी लूट मिली है। देख सकते हो कंपोनेंट देख सकते हो आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ओप ओप देख सकते हो, काफ़ी सारा यहाँ पे हमें लूट मिल गया गाइस यहाँ से, इस सर्वर से आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे इतना स्टील थोड़ा सा ही मिला, 290 स्टील मिला, चलो इतना स्टील बहुत, लेकिन अपने पास स्टील काफ़ी कम है, चलो इतना मिला और भी मिलेगा ही, इनसे फार्मिंग वार्मिंग तो रखा ही होगा। और कंपोनेंट देख सकते हो गाइस, जो कि हमें यही चाहिए था। और यहाँ पे फ्यूल भी देख सकते हो गाइस, अपने इतने सारे फ्यूल यहाँ पे भी पड़े हुए हैं, क्लॉथ भी ठीक ठाक है। और यहाँ पे और भी लूट मैं आपको दिखाऊंगा, सारा लूट आप लोग देखो कितना यहाँ पे तगड़ा लूट हमें मिला है। तो यहाँ पे बिग ब्रो को भी बैग देना है, बिग ब्रो भी सर्वर यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ज्वाइन में लेट हुआ, तब तक हमने सर्वर बेस ही रेड कर दिया क्योंकि इनमें ऑफलाइन थी। तो दरअसल हम लोग रेड करने जा रहे थे, तभी एक बंदा इसका ऑनलाइन आया, लेकिन वो थोड़ा ही देर बाद वो हम लोग रुक गए, तो वो ऑफलाइन चला गया। तो हमने सोचा अब एकदम सही टाइम में रेड मारने का, तो यहाँ पर हमने रेड मार दिया। आप लोग गन देख सकते हो, लूट वूट देख सकते हो कैसे, और मेन लूट जो आपको दिखाऊंगा आप लोग देख के हैरान हो जाओगे, आप कह नहीं सकते कैसे ये बंदे जो थे डुओ खेल रहे थे गाइस यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाऊंगा वो लूट आखिर है क्या यहाँ पे। तो ये देख सकते हो यहाँ पे तो कंपोनेंट्स मिले ही हैं काफ़ी सारे, आर्मर भी काफ़ी अच्छे खासे मिले हैं, लेकिन जो आप मेन लूट देखोगे ना कहोगे, तो पहले जल्दी से हम लोग बैग दे देते हैं बिग ब्रो को यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से बैग दे रहे हैं, तो कहाँ गए, तो यहाँ पर हम लोग जल्दी से इनको बैग दे दिए यहाँ पे। तो अभी हम लोग जल्दी से यहाँ पे चेस्ट लगाते हैं और आपको दिखाता हूँ मेन लूट यहाँ पे है क्या। तो भी एक चेस्ट क्राफ्ट हो रहा है लार्ज चेस्ट, तो हम लोग सारी लूट रख देंगे, धीरे धीरे ट्रांसफर कर लेंगे यहाँ पे, कुछ भी हम लोग को वेस्ट नहीं करना, सभी चीज़ हमें बहुत जरूरी है गाइस यहाँ पे। तो आप लोग खुद ही जानते हो, हम लोग ने खुद ही सर्वर में जम किया, हमारा एक बार बेस भी रेड हो गया था, सारा लूट चला गया, फिर हमने दोबारा से सर्वर में मतलब वो किया है, कमबैक किया है। तो अभी आप लोग ने देखा ही होगा गाइस मेन लूट कितना सारा यहाँ से एक्सप्लोसिव मिल गया, और सल्फर चारकोल गन पाउडर देख सकते हो इतना ज़्यादा मिल गया गाइस लगभग, तो काफ़ी ठीक ठाक यहाँ से लूट मिले, ठीक ठाक है, बहुत तगड़ा लूट मिल गया गाइस ये दो बंदों से। तो अभी जल्दी से यहाँ चेस्ट लगा लेते हैं, सारा लूट हम लोग को यहाँ पे रखना है बारी बारी चेस्ट में। गन्स भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे मिल गया है, कंपोनेंट्स तो भाई बहुत तगड़े तगड़े यहाँ पे कंपोनेंट्स मिल गए गाइस यहाँ पे अपने को। जल्दी से सारा लूट यहाँ पे रख देना है गाइस हमको, तो सारा कंपोनेंट्स भी रख देंगे यहाँ पे, और बाकी कंपोनेंट्स तो एकदम छोड़ना ही नहीं है गाइस, और मेन लूट तो हमने रख दिया है ही है। तो बाकी लूट अभी ये देख सकते हो यहाँ पे कंपोनेंट्स अभी रख देते हैं, और सारा लूट हम लोग धीरे धीरे करके ट्रांसफर कर लेंगे यहाँ से।
सो यहाँ पर गाइस हम लोग SMG भी नहीं छोड़ रहे, कुछ भी नहीं छोड़ रहे, सब रख देंगे, बाद में सब काम दे देता है गाइस यहाँ पे। और देख सकते हो इतना सारा गाइस एक्सप्लोसिव, तो देख सकते हो गाइस इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव मिला था भाई, मतलब आप लोग देख सकते हो इतना ज़्यादा, भी डुओ बंदे खेल रहे थे गाइस, पता नहीं कितना फार्म किया। तो फ्यूल देख सकते हो इतना यहाँ पे, तो फ्यूल भी काफ़ी तगड़ा मिल गया था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। ये लूट, ये बेस रेट बहुत ही मतलब सही थी अपने लिए हुई थी, इतना लूट हमें मिल गया था गाइस। और यहाँ पे भी देख सकते हो तो सारा लूट यहाँ पे रखते, AR गन्स बस थोड़े कम मिले थे यहाँ से, लेकिन ठीक ठाक मिल गए थे हमें यहाँ से लूट। तो आप लोग देख ही सकते हो यहाँ से ऑयल बम भी मिल गए थे, ऑयल बम नहीं थे शायद अपने पास, इन्हीं से मिले थे ऑयल बम, याद नहीं है मुझे सही से। और स्टील भी ठीक ठाक मिल गया था, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 250 स्टील मिल गया था, 290 स्टील जो भी कह लो, थोड़े कम थे लेकिन ठीक थे गाइस जिस हिसाब से मिले थे रेट को। बाकी लूट तो बहुत सही मिला था, स्टील कम था चलो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लूट काफ़ी तगड़ा मिला था। अभी सारा लूट पहले हम लोग को मेन लूट लेके जाना, जो बॉम्ब्स है वो लूट लेके जाना है गाइस, बाद में बाकी लूट हम लोग यहाँ पे लेके चले जाएंगे। और यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो गाइस लूट काफ़ी सही है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे बी ब्रोक बोल रहा था लीजन ज्वाइन करने के लिए, मतलब लीजन में अप्लाई करने के लिए, तो वो भी अप्लाई कर देंगे हम लोग, लीजन में भी ले लेंगे। और यहाँ पे कंपोनेंट्स देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट तो बहुत जरूरी थे, हमें चाहिए थे C4 बनाने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो नीडल थ्रेड भी चाहिए थे, चारकोल भी थोड़े से मिल गए यहाँ पे, और लूट देख सकते हो आयरन भी ठीक ठाक मिल गया है, स्टील थोड़ा कम है लेकिन कंपोनेंट्स बहुत सही मिल गए हैं। और भाई एक्सप्लोसिव और मतलब जो बॉम्ब्स वॉम्स हैं वो तो काफ़ी सारे यहाँ पे मिल गए हैं, एक्सप्लोसिव तो बहुत मिल गए हैं यहाँ से गाइस, देख सकते हो यहाँ तो काफ़ी, इसमें थोड़े अपने बॉम्ब भी डाल दिए मैंने ऐसे ही। तो यहाँ पे लूट ठीक ही ठाक मिल गया, अभी आर्मर भी आप लोग को दिखाएंगे कि आर्मर कितने सारे यहाँ से मिले हैं, ये चीज़ में तो बाकी सब बेकार चीज़ है। तो अभी यहाँ पे पहले बंद कर देते, कोई इनमी ना आ जाएगा इससे, देख सकते पूरा ओपन है तो इसको बंद कर देते गए, यहाँ पे डोर लगा देते हैं कोड लॉक, तो कोड लॉक भी क्राफ्ट कर लेते हैं। और यहाँ इसको पूरा आयरन कर देते गए यहाँ पे जल्दी से, ताकि कोई इनमी ना आए यहाँ पे। तो यहाँ पे कोड लॉक भी लगा दिया और इसको अच्छे सही से कोड लॉक लगा दिया हमने। और यहाँ पे आर्मर देख सकते हो, तो यहाँ पे स्टील का हमें मिल गया आर्मर, फुल सेट तो नहीं मिला लेकिन हेलमेट और सर फुल सेट भी मिल गया था पता नहीं, लेकिन स्टील आर्मर भी मिल गया, हमारे पास नहीं था कुछ भी नहीं था गाइस, क्या ही बताएं, एकदम नल्ले थे, खाली इतना फार्मिंग किया था बस बेस अपग्रेड करना था। और मेन चीज़ था बॉम्ब आ गए थे कि बंदों को हटाना था ये सब बंदों को, तो ठीक ठाक हमें यहाँ से लूट मिली गई थी। और आर्मर भी देख सकते हो गाइस काफ़ी अच्छा मिल गया था यहाँ से, लगभग स्टील हेलमेट और स्टील आर्मर मिल गया था, बस चड्ढी बाकी थी और जूता बाकी था। यहाँ पर देख सकते हो इनमी यहाँ पे, दूसरी इनमी यहाँ पे ऑनलाइन है हमारे बेस के पास कैम करी, तो हमें लूट थोड़ा है यहाँ पे संभाल के लेके जाना होगा गाइस यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे देख सकते हो सारी, पता नहीं क्यों मैंने यहाँ पे, मुझे समझ नहीं है मैंने सारी टट्टी लूट क्यों ले ली, मुझे पहले मेन आर्मर यहाँ पे लेके जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने सारी टट्टी लूट ली यहाँ पे। तो अभी क्या ही कर सकते थे गाइस, यहाँ पे देख सकते हो मैं टट्टी लूट यहाँ पे लेके आ गया, बाकी सब ने तो मेरा नहीं, मैं ही क्यों टट्टी लूट लिया मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो अभी सारा लूट हम लोग यहाँ पे रख लेंगे गाइस बेस में, अभी आसपास इनका एक और बेस है गाइस, उसको भी रेट करना, छोटा सा बेस बनाया था जो हमारा बेस कैंप करने के लिए गाइस उन्होंने, उसका भी वो भी बेस रेट करना है गाइस यहाँ पे। और यहाँ पे वो जो आप मैप पे देखा होगा लोकेशन जहाँ पे ड्रॉप आया था ना गाइस, वो मेन लीजन है इस सर्वर की, जो पूरा सर्वर वाइप की हुई है, तो उनसे ही बच के रहना है हमें गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो ये दूसरी इनमी ने बेस बनाया, तो इसको भी जल्दी से हम लोग यहाँ पे रेड करके हटाते हैं गाइस, इनके पास भी थोड़ी लूट है। दूसरी इनमी है गाइस, ये लोग जो लोग हमारा बेस रेड किए थे पिछला वाला, वो उनका बेस है ये, इन्होंने बनाया हमारा बेस पता चला है। तो सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ठीक ठाक लूट मिली है यहाँ पे, अभी कुछ भी नहीं मिला, मतलब अभी हमें बॉम्ब्स, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे बॉम्ब्स कम पड़ गए थे, हमें 4 C4 चाहिए था अपने बेस पे, 3 ही C4 है, तो यहाँ बरन जो C4 बना के लेके आ जाएगा, तो यहाँ पर बरन C4 बना के लेके आ गया और वो यहाँ पे C4 लगा रहा है जल्दी से। हमने TC भी क्राफ्ट करके रखा हुआ है, सीधा इनका बेस यहाँ पे उड़ाना है हम लोग को, कुछ भी करके यहाँ जल्दी से हटाना है इनका बेस। तो यहाँ पर अभी लगभग टूट चुका है गाइस यहाँ पे, ये पता नहीं क्यों चिंदी चिंदी करके बॉम्ब लगा रहा है, एक बॉम्ब सीधे 4 C4 एक बार में चिपकाने चाहिए थे, लेकिन ग्लिच तो नहीं होते गाइस मेरे हिसाब से, खाली ऑयल बम ही ग्लिच होते हैं, बाकी हैंडमेड और C4 नहीं ग्लिच होते हैं, नहीं तो भाई बड़ा घाटा हो जाएगा वो वाला ग्लिच, अगर है जो ऑयल बम के साथ होता है ग्लिच, 9 बम लगाओ 8 का डैमेज आता है, 7 का डैमेज आता है, अगर ऐसा हैंडमेड और C4 के साथ होने लगा तो भाई बहुत घाटा हो जाएगा अपना। तो यहाँ पे देख सकते हो लूट, आप लोग देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये हमें से लूट ली थी इन्होंने, SMG सारा हमें से मार के लिया है, थोड़ा मोड़ा लूट उनका भी होगा लेकिन ज़्यादा तो लूट हमारी, हम लोग ने खाली मर मर के इनको दिया है सारा लूट, क्या ही बताएं गाइस, अपना PP एकदम गू हो रखा है। तो यहाँ पर सारा तोड़ लेते गए, यहाँ पर TC भी तोड़ लेंगे, लूट तो ठीक ही ठाक मिल गया, सारा लूट वापस मिल गया गैस हम लोग को, सारा नहीं लगभग मिल गया, लेकिन रेट से तो जो लूट मिला बहुत प्रॉफिटेबल था। तो यहाँ पर भी
इसका टीसी भी डिस्ट्रॉय कर देंगे और ये बेस पूरा यहाँ से ख़त्म करेंगे। तो टीसी टूट गया, टीसी देख से तो यार बहुत कम ही लूट मिला, 5 स्टीम मिला। मुझे लगता है इनके पास 50% वाला वो डिस्काउंट है, तो इसीलिए देख से तो इतना कम इन लोग रखे हुए हैं। इन बंदों के पास ना 50% वाला डिस्काउंट, भाई हम लोग गरीब भाई कहाँ से लेंगे 50% वाला डिस्काउंट। तो यहाँ पे बेस उड़ा दिया गया हमने, तो अभी हमें करना क्या गया, तो सारा लूट धीरे धीरे अभी और भी ट्रांसफ़र करना है गाइस यहाँ पे। तो ये बेस का तो काम तो हमने कर दिया गया इस यहाँ पे, देख से तो लूट यही थोड़ा मिला है सबका मिला के, और बाकी लोग ने लूट लिया होगा तो लिया होगा। तो अभी हम लोग चलेंगे गाइस बेस में, सारा लूट रख देंगे, उसके बाद गाइस हम लोग को लूट भी ट्रांसफर करना है। और देखो गाइस ये पता नहीं क्या अपडेट के बाद ग्लिच आया, बार बार करेक्टर का स्किन हट जा रहा है, और इस बार मैंने हट गया तो फिर मैं लगा के आया लॉबी से स्किन, देख तो फिर हट गया, ये आधा मरद आधा औरत हो गया है। पता नहीं क्या ग्लिच है इस गेम वालों का, इस गेम एकदम टट्टी है सही बताओ तो। खाली एक चीज़ है, मतलब अच्छा अगर गेम अच्छा रहे तो वाकई में इस गेम को खेलने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन हैकर्स आ जाते हैं, इतने ज़्यादा ग्लिचेस हैं, इतने ज़्यादा बग्स हैं ना गाइस, इसलिए गेम बहुत बेकार है सच बताऊँ तो। अगर गेम वाले गेम को सही कर दे, थोड़ा हैकर्स को देख ले, मतलब सही से हैकर्स को हटा दें, और गेम के बग्स और ग्लिचेस भी थोड़े कम कर दे, हम नहीं करें पूरा ख़त्म कर दो, लेकिन कम तो कर सकते हो आप लोग, लेकिन नहीं हैकर्स भी मैं हम लोग करें पूरा नहीं ख़त्म करो हैकर, लेकिन कम तो करो हैकर्स, लेकिन हैकर्स इतने भाई हर सर्वर में देखने को मिल जाते हैं, आप लोग को आगे गेम प्ले देखने को मिलेगा हैकर्स का। तो यहाँ पर अभी क्या ही बताएं हमारे साथ क्या हुआ है। तो अभी हुआ क्या गाइस, यहाँ पे इस बेस को भी हटाते हैं, जो दोनों बंदों का हमने बेस रेट किया था ना गाइस, जो कुसुलिया और जो बंदो बंदे थे जिनका दो बेस रेट, दो बंदों का, तो उनका बेस तो रेट कर दी, लेकिन वो यहाँ पे ऑफ है गाइस, उन्होंने इस ये बेस बनाया था तो इसमें ऑफ है, तो इसको भी हम लोग रेट करते हैं। इनके पास थोड़ी गन मिल जाएगी यार, और तो इन्होंने भी हमसे गन ली, क्योंकि वहाँ से तो हमें मिली नहीं, थोड़ी कमी यार मिली है, तो थोड़ी यहाँ पे मुझे लगता है इन्होंने लूट रखी, देख से तो चेस्ट लगाए हुए हैं, तो इसको तोड़ते गए यहाँ पे। तो 12 हैंडमेड लगा दी और 5 ऑयल बम लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो टूट जाएगा। और गाइस यहाँ पे टूट चुका है, तो लूट दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से मिला क्या हमें। तो देख से तो यही दोनों बंदे का बेस था जो हमने रेड किया, जहाँ से इतने सारे एक्सप्लोजिव मिले भाई, बहुत ज़्यादा इन्होंने फार्मिंग किया गई यहाँ पे, तो इनको यहाँ पे किल कर देते गए हम लोग, इनसे तो गन मिल जाएगा हमें यहाँ से, क्योंकि इन्होंने देख सकते हो चेस्ट लगा रखा है यहाँ पे। आप लोग देख सकते हो टीसी भी यहाँ पे लगा हुआ है, देखते हैं क्या। और ये देख सकते हो ये बरन हट नहीं रहा था, यहाँ पे खड़ा हो गया, मुझे जाना था नीचे, ये हट नहीं रहा यहाँ पे। तो टीसी का लूट देख सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे लूट मिला इनके पास, लगता है इनके पास भी लगता है मेरे हिसाब से 50% ऑफ। और यहाँ ये देख सकते हो ये भाई जब भाई खड़े हो गए, हट नहीं रहे अब, तो इसको किल कर देते गए हम लोग, यहाँ से निकलते हैं और टीसी उड़ाते हैं गए हम लोग, और सारा लूट आपको दिखाते हैं गए यहाँ पे। तब लोग बाहर निकल जाए गए थे, टीसी उड़ा देते गए यहाँ पे। तो यहाँ पर दो बम चिपका दिए, टीसी उड़ जाएगा यहाँ पे दो बम में, देख सकते हो यही ग्लिच है गाइस, देख सकते हो दो बम लगाए टीसी नहीं टूटा। तो यहाँ पे आप लोग ये मिल देखो यही सब मिला था, देख सकते हो एक एक मिल गया, एक ड्यूअल बी जूडी और भी थोड़ा मोड़ा लूट मिल गया यहाँ से, तो यही लूट मिला था गाइस यहाँ पे। तो सो गाइस तो बस इस वीडियो में इतना ही था, तो अभी हम लोग को क्या नेक्स्ट वीडियो में आपको और रेड वीडियो देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।